फिनेटिक के पास तो एडवांटेज है, था रीच एडवांटेज है, नहीं तो यहाँ पर फिनेटिक के लिए और ज्यादा खतरा हो सकता था। अमन ऊपर से आते हुए यहाँ पर अमन ने पर बहुत ही प्यारा डैमेज दिया। 16 आ चुकी है, फनेटिक बिल्कुल उनके ऊपर है, फिफ्थ पार्टी करने का मौका यहाँ पे सोल के पास है, लेकिन हाई ग्राउंड है यहाँ पे फनेटिक के पास, उस चीज का फायदा जरूर है फनेटिक के पास, तो देखते हैं कि सोल क्या डिसीजन लेती है यहाँ पे। फिनेटिक एश ने पीछे स्पॉट किया है कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि फिनेटिक एश अपने टीम के लिए पीछे वाला एरिया वो देख रहे हैं। रिमेनिंग बंदे जो भी है हमारे कैंप पर ओपी दैट इज स्काउट, एंड स्काउट भी पीछे आ जाए, पीछे से स्क्वाड आ रहा है, ओआर का स्क्वाड भी वहाँ पर होल्ड करेंगे, तो एलिमिनेटर्स का स्क्वाड भी है वहाँ पर। सिनर्जी तेज ने जायडेगॉड को नॉक किया 8 बीट की तरफ से, एंड वहाँ पर 8 बीट का भी फाइट सिनर्जी के साथ हो रहा है। सिनर्जी टेबल टॉप एंड वो फिर से फाइट यहाँ पर एंगेज करेंगे, एंड स्काउट यहाँ पर फ्लैग मारते हुए सोल वर्सेस फिनेटिक, ये फाइट जनता का फेवरेट टीम्स का फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखना ये पड़ेगा ये फाइट से कौन सा स्क्वाड फुल फाइट होता है कि नहीं, कौन सा स्क्वाड इस फाइट को जीत के जाते हैं। I think this is going to be incredible. Soul versus Fnatic, two of the biggest team in India. Popularity की बात करें, Soul Mortal यहाँ पे knock होते हुए, and I think थोड़ा सा tough यहाँ पे रहेगा Soul को Mortal को बचाने के लिए, क्योंकि Fnatic काफी ज़्यादा spread होके मारती हैं, and Camper OP, Scout OP already निकल चुके हैं, but Soul के वाइपर ने बहुत बढ़िया कवर यहाँ प्रोवाइड किया, Always को knock कर दिया है, Frankie को भी knock कर दिया है, Ash वहाँ मौजूद है, Scout वहाँ मौजूद है, Soul versus Fnatic, the best fight जो यहाँ पे हो सकती थी वो हो रही है। Regal Toss वहाँ पे अभी भी I think smoke करने की कोशिश कर रहे हैं, I don't know, but Mortal को बचाना I think काफी मुश्किल होने वाला है। Mortal इसी के साथ खत्म होते हुए, Scout Mortal को खत्म कर चुके हैं, Soul रिट्रीट करने के मूड में यहाँ पे आ चुके हैं। नहीं आई थिंक ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि रीच के कारण, वही रीच का मुश्किल फायदा होगा, एंड वही अमन यहाँ पर स्मोक के अंदर है, एक एच के साथ है, हील करने की कोशिश करेंगे, हाथ से खत्म हो चुका है। यहाँ पर रेगल टॉस बहुत ज्यादा डैमेज है, वाइपर भी डैमेज है, यहाँ पर फिनेटिक के पास जो एडवांटेज है था रीच एडवांटेज है, नहीं तो यहाँ पर फिनेटिक के लिए और ज्यादा खतरा हो सकता था। अमन ऊपर से आते हुए यहाँ पर अमन ने पर बहुत ही प्यारा डैमेज दिया, वो रेगल टॉस ने नॉकआउट कर दिया, कैंपर का अमन यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा, रेगल टॉस के ऊपर पूछ आएंगे, देखना पड़ेगा रेगल टॉस यहाँ पर हंड्रेड कर सकता है कि नहीं, रेगल टॉस भी नॉकआउट हो चुका है, सोल का स्कोर यहाँ पर क्लियर आउट हो सकते हैं, यहाँ पर सोल से सिर्फ वाइपर बचे हैं, वाइपर यहाँ से डिस्ट्रीट करने चाहेंगे, बट फिनेटिक का पूरा का पूरा स्कोर पुश करेंगे, पीछे से एलिमेंट टीम ओ आर भी आएंगे, वहाँ पर फिनेटिक के पास एक एडवांटेज था, फिर से सोल के पास एडवांटेज हुआ, बट यहाँ पर ओएस को देखो, वाइपर को देखो कहाँ पर टीपी भी ले रहे हैं, राइट पे यहाँ पर फ्रैंकी भी बना सकते हैं, उसको एलिमिनेट करना चाहेगा, बट ओएस पीछे से इसको क्लियर आउट कर दे, सोल का स्क्वाड क्लियर आउट हो गया फिनेटिक के द्वारा, 7 किल फिनेटिक के पास, बहुत ही तहलकेदार परफॉर्मेंस कर रहे फिनेटिक आज।